नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली से बड़ी और अहम खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर 16-17 जनवरी को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जो है वो होने वाली है। बता दें आपको कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ पार्टी दफ्तर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। 17 जनवरी को पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। वही आपको बता दें कि 16 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो काफी बड़ी और अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है और लगातार इसकी चर्चाएं भी काफी हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि 16 और 17 जनवरी को ये कार्यकारिणी की बैठक जो है वो है और पीएम मोदी, अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। और आपको बता दें कि 30 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर दौरा है। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से नजर आ रही है, और इसके चलते आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो यूपी दौरा है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि गाजीपुर जिले से मिशन पूर्वांचल की भी एक बड़ी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी और सगवाड़ा के बिर्क अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें। बताना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा आज के लिए रोक दी गई है। संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। जालंधर के सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर जो है वो भी देखने को मिल रही है। पंजाब से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया और भारत जोड़ो यात्रा को भी रोका गया। वही राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 18 राज्य एसपी प्रमोट होकर एडिशनल एसपी बने हैं। आपको बताना चाहिए 43 अन्य पीटीएस अफसरों को यहां पर उन्नत वेतनमान भी मिला है। साथ ही बताना चाहिए गृह विभाग से जारी ये प्रमोशन का आदेश है और 10 जनवरी को विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक भी हुई थी। सुबोध गौतम, नवीन कुमार सिंह और आलोक दुबे एएसपी बने हैं। बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर ट्रिपल मर्डर के आरोपी के घर अब बुलडोजर चलेगा। यहां सुरेश प्रधान के घर और अन्य ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा। सुरेश प्रधान ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी और पुलिस की कई टीमें जो है वो अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी भी कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीच जहां पर सुरेश प्रधान के घर और जो अन्य ठिकाने हैं उसके वहां पर भी बुलडोजर चलेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर की जा रही है।